नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कहीं जीत का जश्न तो कहीं हार की लकीरें, उड़ रहे गुलाल, बज रहे ढोल नगाड़े। राजस्थान पंचायत राज चुनाव के परिणाम के बाद जनता द्वारा चुने सरपंचों में खुशी की लहर। चारों ओर जहां जीते हुए सरपंचों के लिए खुशी का माहौल है, तो वहीं कार्यकर्ता अपने अंदाज में खुशी के इजहार करने में लगे हुए हैं। इसी खुशी के चार चांद लगाने के लिए राष्ट्र खबर की टीम पहुंची है धरातल पर, क्योंकि जनता ने चुना है गांव का मुखिया, जनता ने बनाई है गांव की सरकार। क्या रहेंगे सरपंच के गांव, विकास के वादे, किसे देंगे जीत का श्रेय, देखिए राष्ट्र खबर में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सोच ग्राम पंचायत के प्रति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश गोस्वामी और अभी हम पहुंचे आडेल पंचायत समिति के ग्राम पंचायत खारियापुर, जहां बात करेंगे सरपंच साहब से क्या लेकर वो चुनावी वादे लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे और क्या काम करवाएंगे तो बात करते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या मसले हैं तो बात करते हैं सरपंच साहब से। बताइए आप क्या मुद्दे लेकर सरपंच चुनाव के लिए उतरे थे? हमारा जो पहले तो है ये ग्राम पंचायत का जो भी मुख्य काम है वो तो करवाना है, लेकिन दूसरी समस्या है हमारे जो पानी नहीं है। तो पहली समस्या तो है पानी की बंद हो गई और दूसरी समस्या है जो कि हमारे रास्ते की है, रास्ते की व्यवस्था है नहीं। तो ये कम 70-80 घर है, उसके बीच में रास्ता नहीं है, वो रुकावट पूरी ग्राम पंचायत। गांव की मुख्य समस्या क्या है? पानी। गांव की मुख्य समस्या यही है, पानी वाली, पानी और सड़क, दो चीज की। ये तो पहली है और छोटी मोटी बाकी तो है ही। हमारे साथ में पूर्व सरपंच और समाज सेवी मेहराम जी भी है, उसे भी बात करेंगे, वो भी बताएंगे गांव की मुख्य क्या समस्या है और सबसे पहले क्या काम करवाएंगे ये। तो बात करते हैं मेहराम जी से। सबसे पहले गांव की जो पानी और सड़क ही है और दूसरा तो कुछ धारणा तो काम होता ही रहता है सर, पानी की है, ज्यादा से ज्यादा पानी की। ये थे सरपंच और पूर्व सरपंच, जिन्होंने बताया गांव में जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है वो पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए।